उस लड़की जिसको गंगा लेना तो उसकी बहन नंबर ए बहुत बेटे के फॉर पी वाले सुन ले बंदों का आवाज बंदों की आवाज आगे जोर से बोलूं मैं। आज अपनों की इज्जत बचाने के लिए किसी अपने को ही मारना पड़ेगा, कितनी गजब की बात है। हाँ, वो एक आदमी प्लेन में गालियां दे रहा था सबको और चैलेंज कर रहा था जॉर्ज पूल कूदने के लिए। तो भाई आ चुके हैं जॉर्ज पूल में, और एक बात कभी मत भूलना कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। अब उस एक के चक्कर में मैं यहाँ पर किसी को भी, मतलब एक तरीके से अगर कोई उछलेगा भी तो उससे नहीं मिलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात किसी की इज्जत की है। अब क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता इसलिए तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता किसी को। और वीडियो के मैसेज को जरूर याद रखना कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ये बात केवल मेरे पे लागू नहीं होती है, ये हर पबजी प्लेयर पे लागू होती है। अब फिलहाल आगे एक बंदा है, अब जो भी है मैंने इसे मार दिया। अब इसको जैसे ही मैं मारता हूं, अब उसके बाद यहां पर मेरे पास भाई हेल्थ नहीं होती है, और अब मैं लगातार 4-5 मिनट तक हेल्थ के लिए इधर से उधर भटकूंगा। लेकिन भाई हेल्थ मिलना तो दूर, मुझे बैंडेज तक भी नहीं मिलते हैं। लेकिन बस मुझे एक ही बात याद थी, और वो थी 2-4 गालियां, और वो भी मेरे लिए तो थी, कुछ अपने लोगों के लिए भी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक उम्मीद लेके चलता रहा। अब यहां पर मुझे ये 2 पेन किलर मिले, सबसे पहले मैं इनको पिया, और जैसे ही मैंने दूसरा पेन किलर लगाया तभी मेरे को किसी के पैरों की आवाज आई। अब फिलहाल ये तो एक महज बॉट था, और इसके पास मुझे आती है एक फर्स्ट एड किट। और तभी यहां पर एक बंदा भी आ गया। अब जिस हिसाब से कवर ले रहा था लग रहा था कि आगे कोई हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए अब जॉर्जो पूल में कोई नहीं था। कहने को तो मैंने जॉर्जो पूल को पूरा क्लियर कर दिया था, अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा किसके हाथों मारा गया। अब जैसे मैं इधर से गाड़ी लेकर निकल रहा था तभी मुझे इधर वाले स्क्वाड हाउस से गन फाइट के साउंड आते हैं। अब जैसे मैं यहां पे रुका मुझे बंदा तो ऊपर दिखाई दे गया, और ये एक बहुत अच्छा मौका था उस पर ग्रेनेड करने का। दो ग्रेनेड लेकिन कोई नॉक फिनिश नहीं। अब जैसे मैं यहां पे आया मुझे इतना पता चला कि यहां पर केवल एक अकेला बंदा नहीं है, यहां पर फाइट चल रही है, और बंदा मुझे सामने पेड़ के पीछे दिखता है। अब मैं यहां पर उस पर एक ग्रेनेड फेंकता हूं। अब इतना तो पक्का है कि वो इस ग्रेनेड से डैमेज तो जरूर होता है, इसलिए मैं सीधा रश कर देता हूं। अब क्योंकि एक बंदा ऊपर था तो मैं उसे कंफ्यूज कर रहा था चल चल के ताकि वो मेरी पोजीशन का पता ही ना लगा पाए। अब इसके बाद मैं यहां पर उस पर रश करने वाला हूं, और वो भी बहुत धीरे धीरे। एंड कुल मिलाकर ये भी यहीं पे फिनिश हो गया। लेकिन अभी ये सफर यहीं खत्म नहीं था, प्लेन की कुछ बातें मुझे अभी भी याद थी, इसलिए ये सफर अभी चलता रहा और मैं गाड़ी लेके यहाँ से आगे निकल गया।
अब इसके बाद गाड़ी लेके मैं इधर रोजॉक की तरफ आता हूँ, जहाँ मुझे पहाड़ी पर एक बंदा भागता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हरकतों से तो केवल ये एक बॉट ही था। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रोजॉक में और बंदे नहीं हैं, बंदे भी और भी मिलने वाले हैं। अब गाड़ी को लेकर मैं यहां पर आता हूं क्योंकि मैंने इस यूएस को देख लिया था। अब मुझे क्लियरली आवाज आ रही थी कि बंदा ऊपर छत पे है, तो सबसे पहले मैंने ग्रेनेड किया जो कि खाली गया। अब यहां पर मैं फिर से वही सेम स्ट्रेटजी, मैं उसको कंफ्यूज करूंगा, चलूंगा नीचे जिससे कि वो खुद अग्रेसिव हो जाए और मुझ पे कुछ ना कुछ गलती करके रश कर दे। लेकिन तभी मैं सुनता हूं कि उस पे कोई एसकेएस से फायर कर रहा है, और जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था। इसको तो मार दिया, लेकिन अब बारी थी एसकेएस वाले की। तो सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैं गाड़ी लेके यहां से निकल लेता हूं। अब देखिए, आपको एक बात बताता हूं, अब इस बंदे का कुछ नहीं पता कौन से घर में है, तो स्पॉटिंग करने के लिए सबसे अच्छा है कि गाड़ी लेके निकलेंगे, वो खुद फायर करेगा और हमें पता चल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। अब जैसे इसने फायर किया, मुझे इतना पता चल गया ये कौन से घर में है। अब फ्लैंक कैसे करना है, ये थोड़ी टेढ़ी खीर थी। अब सबसे पहले मैं यहां रुका। अब मैं अगर यहां से इस पे रश करता हूं, तो क्योंकि उसके पास हाई ग्राउंड है तो वो मुझे इजीली मार सकता है, इसलिए मिड रेंज फाइट ना लेके मैं उससे क्लोज कॉम्बैट करना पसंद करूंगा और गाड़ी लेके सीधा उस पे रश कर देता हूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस बंदे ने ऊपर क्या करके रखा हुआ है। भाई, इसने लाशों के ढेर लगा रखे हैं यहाँ छत पे, और वो भी शायद ऐसे प्रोन करके ही। लेकिन जो भी कहो, बंदा खेला बहुत अच्छा। क्योंकि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, और इस बात का उदाहरण आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, और बहुत बड़ा उदाहरण मिलेगा मेरे भाई। अब इसके बाद इस सफर को और आगे बढ़ाने के लिए मैं पोचिंग की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे मैं यहां पे आता हूं, तभी मुझे एक बंदे की आवाज इस घर से आती है। अब इतनी देर गेम खेलते खेलते मैं वो सारी बातें भूल गया था जो कि प्लेन में घटी थी, इसलिए यहां पर मैं थोड़ी सी अजीब हरकतें करने लगा। तो सबसे पहले वही कंफ्यूज करेंगे, उसको हिलने पे मजबूर करेंगे, एंड पता लगाएंगे कि यार उसकी पोजीशन कहां पर है। अब जैसे मैंने देखा कि वो यहां पर नहीं है, तो मैं जल्दी से बढ़ के यहां आगे आ गया। अब इसको मारना बहुत ईजी था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सिचुएशन को टफ बनाते हैं, और रियली में बन भी गई थी। और पहले एक चीज बता दूं कि इस मोड को दिखाने का मतलब किसी भी प्रोनेस को बढ़ावा देना नहीं है, ओनली जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। बहुत अच्छी कोशिश, उसने मेरे पे ग्रेनेड करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मैंने उसे देख लिया था। ये छोटी छोटी गलतियां तो हमें सिखाती हैं आगे की हमें गेम को कैसे खेलना है। अब अगली बार जब वो खेलेगा तो कुछ ना कुछ नया जरूर करेगा। अब फिलहाल उसके बाद मैं गाड़ी लेके यहां पर आ गया और बंदों को स्काउटिंग कर ही रहा था क्योंकि जोन बहुत छोटा था। लेकिन जैसे मैं यहां पर आता हूं, मुझे एक गाड़ी खड़ी दिखाई जाती है। और यकीन मानिए, यहां मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास यूज ही थी और उसके पास एडवांस था पहले मुझे मारने का। अब जब आप सोलो खेल रहे हैं ना मेरे भाई, तो आपके लिए हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले मैंने हेल्थ लगाई गाड़ी लेके, जैसे ही निकला तभी कहीं से ऑन का शॉट आया। अब जैसे मैंने मैप में देखा, मुझे पता चल गया कि शॉट किस डायरेक्शन से आया, तो मैंने वहीं पर रश कर दिया।
एंड एक और जीत। अब इसके बाद इस कहानी में दो ऐसी गनें जुड़ जाती हैं जो गेम को भाई पूरा बदल के रख देती हैं, क्योंकि इन गन का कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद मेरे पास सब कुछ था, तैयारी पूरी थी, अब बस इंतज़ार था तो एक और मौके का। तो मैं गाड़ी लेके, अब जैसे मैं यहाँ गाड़ी लेके आया, मुझे बंदा स्पॉट हो गया दीवार के पीछे, और वो जैसे ही मेरे पास आया, और सही बता रहा हूँ उसके पास एक बहुत अच्छा मौका था मुझे मारने का, और वो चूक गया, और जो कि उसकी आखिरी गलती थी। अब जैसे मैंने इसे मारा तभी मुझे एक और पैरों के निशान मेरे को मैप में दिखाई दे गए, तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं एक बंदा और है। तो शक को दूर करने के लिए मैं ग्रेनेड की पिन खींची, जैसे पिन खींची बंदा ऊपर से मेरे पे कूद के आ गया। भाई की हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी इसलिए कुछ नहीं कर पाए। अब इस वक्त क्योंकि कोई मेरे क्लोज में तो था ही नहीं, अब मुझे फाइट लेनी थी तो स्नाइपर से, और पास में ड्रॉप गिरा था तो मुझे इतना तो कंफर्म था कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर आएगा। तो जैसे मैं यहां पर आता हूं तो मुझे कोई फायरिंग करता दिखाई देता है। अब ये उधर किसी को मार रहा था तो मैंने जैसे वहां पे स्कोप खोला तो मुझे वहां पर एक और बंदा दिख जाता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये शॉट के लिए यार एक लाइक तो बनता है, अभी की अभी लाइक करो भाई। और फाइनली यार इस कहानी को अंत करने वाला एक इंसान आ गया और प्रूफ कर गया कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। अब यार 17 बंदे मारने वाले को जिसने मारा है उसकी स्टैट्स देखने तो बनते हैं। कहा था ना कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपने दुश्मन की इज्जत करो। ऐसी बात नहीं है कि इससे डरो लेकिन उसे कमजोर कहीं मत समझो। अब फिलहाल इस कहानी का रिजल्ट ये है कि जिसको कुछ सिखाना था उसको सिखा दिया। अब बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि यार ये गेम ही तो है, इसको इतना सीरियसली क्यों बताते हो ये सब। तो मेरी बात देखो, तुम इस गेम के चलते कुछ गंदी आदतें तो सीख ही रहे हो, तो क्यों ना कुछ अच्छा ही सीखा जाए। अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ और इसमें नहीं बताना चाहता, क्योंकि आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी रहेगा। तो आपको ये मैसेज कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो अपना थम्सअप दे के यार प्यार देना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर दो, क्योंकि वहाँ पर भी मेरी 100K की फैमिली होने वाली है। एंड मिलूंगा आपको एक और छोटी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।